आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है 1 / 2 × 3 + 1 / 4 × 5 + 1 / 6 × 7 + 1 / 8 × 9 up till infinity = तो क्वेश्चन में हमारे पास एक सीरीज एस गिवन है जिसमें टर्म्स है 1 / 2 × 3 + 1 / 4 × 5 + 1 / 6 × 7 + 1 / 8 × 9 और ऐसे इन्फिनिटी तक टर्म्स है, तो हमें इन सब का समेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इस सीरीज के लिए अगर हम एक जनरल टर्म लिखें तो जनरल टर्म टी ऑफ आर वो क्या आ जाएगी, वो आएगी हमारे पास 1 / 2r × 2r + 1। ठीक है, तो इसे हम r इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है वो है 1 / 2 × 3, यानी कि r को जब हम 1 पुट करेंगे इसमें तो 1/2 × 3 आना चाहिए। तो r 1 पुट करा यहाँ पे तो 2 × 1 वो 2 आएगा और 2r + 1 वो 3 आएगा, यानी ये 2 × 3 बन जाएगा, यानी टी ऑफ 1 तो हमारे पास ट्रू आ रहा है। वैसे ही r इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं, तो r को जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 × 2 = 4 और 2 × 2 + 1 तो 5 आएगा, यानी कि सेकेंड टर्म भी सही आ रही है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि ये जो जनरल टर्म हमने लिखी है ये ट्रू है। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं 2r + 1 - 2r / 2r, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने पर 2r और 2r ये दोनों माइनस हो जाएंगे और ऊपर से 1 बच जाएगा जो कि यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और नीचे 2r + 1 भी है ही, तो ये आ गया। अब अगर हम दोनों टर्म्स को अलग अलग लिखते हैं तो बन जाएगा 2r + 1 / 2r × 2r + 1 और माइनस में आएगा 2r / 2r × 2r + 1। ठीक है, तो 2r + 1 से 2r + 1 कैंसिल हो गया और 2r से 2r कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 1 / 2r - 1 / 2r + 1, ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई अब। ठीक है, तो जनरल टर्म को हमने सॉल्व करके इस तरीके से लिख दिया। तो जब r इक्वल टू 1 होगा तो ये आएगा 1/2 - 1/3, फिर r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 1/4 - 1/5। ठीक है, और ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अब समेशन बन गया हमारे पास 1/2 - 1/3 + 1/4 - 1/5 + 1/6 - 1/7 + 1/8 - 1/9 और ऐसे इन्फिनिटी तक, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसे फाइंड करने के लिए हम देखते हैं ln(1+x) का एक्सपेंशन। तो ln(1+x) का एक्सपेंशन क्या आता है, ये आता है x - x²/2 + x³/3 - x⁴/4 + x⁵/5 और ऐसे इन्फिनिटी तक टर्म्स आती है। ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन आता है। तो ln(1+1) यानी x को अगर हम 1 पुट कर दे तो यहाँ पे ln(2) बन जाएगा। ठीक है, अब x को यहाँ पे 1 पुट करें तो यहाँ पे भी 1 पुट करना पड़ेगा, तो ये आएगा 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 और ऐसे इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्योंकि 1 की पावर हम कुछ भी करते हैं वो तो 1 ही रहने वाला है, तो ये न्यूमरेटर में हमेशा 1 रहेगा। अब दोनों तरफ अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -ln(2) और यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -1 + 1/2 - 1/3 + 1/4 - 1/5 और ऐसे ही इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इस -1 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये आएगा 1 - ln(2). ठीक है, और यहाँ पे बन गया 1/2 - 1/3 + 1/4 - 1/5, फिर आएगा +1/6 - 1/7 और ऐसे इन्फिनिटी तक। तो ये जो राइट हैंड साइड में जो समीशन गिवन है ये तो हमारे पास सीरीज एस के इक्वल है जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये पूरा तो एस लिखा हुआ है, यानी कि समेशन एस आ गया हमारे पास 1 - ln(2) के इक्वल। तो समेशन एस हमारे पास 1 - ln(2) के इक्वल आ गया और यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।